Sohail Khan's brother-in-law Aayush Sharma is soon to make his big Bollywood debut in October with the film Loveratri under Salman Khan Films Banner. However, they have been accused of hurting Hindu sentiments on the film's title. Sohail, who was present at the launch of the new season of Comedy Circus, reviewed brother-in-law's film. He said, जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे वही लगा कि ये मेहनत रंग लाई है उस लड़के ने उसको अपॉर्चुनिटी मिली सलमान खान प्रोडक्शन में लेकिन ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी आर्टिस्ट को मिलती है लेकिन अगर उस अपॉर्चुनिटी का वो अगर रिस्पेक्ट ना करे अगर उसका सही मौका नहीं उठाए तो वो एक दो फिल्मों के बाद वो डायल्यूट हो जाती है आपको एक लॉन्च मिल सकता है आपको एक अच्छा पैड मिल सकता है लेकिन उसके बाद क्या आयुष ने बहुत मेहनत की और तो मुझे लगता है कि वही जो है उसको स्ट्रॉन्ग और उसको सेटल करेगी While talking about the controversy behind the film's name, he said, मैंने फिल्म देखी है उसमें ऐसा कुछ है नहीं बहुत प्यारी फिल्म है और मुझे लगता है कि जो भी फिल्म देखेगा हाँ वो यही उसकी सोच यही होगी क्या बहुत प्यारी फिल्म है सुंदर फिल्म है और इनिसेंट प्योर लव स्टोरी है तो मैं चाहता हूँ कि लोग फिल्म देखें Well, Sohail also revealed that he, along with Arbaaz Khan, has a cameo too in the movie. Releasing on the 5th of October, let's wait to see what fate Loveratri brings for Aayush Sharma and Vareena Hussain, the two leads in the movie.